और ये चावल को कभी मत फेंकना, क्योंकि ये हम लोग, ये चावल को पता है हम लोग किसान लोग क्या मानते हैं, चावल को हम भगवान मानते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको ये खाने दिया है। ओ कस्तो छस राम्रो, मलाई भोक लाग्छ, एकछिन म त मलाई भात दिनु, मतलब मैंने बोला ओ कैसा हो तुम, अच्छी हो ना, मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर में तुम मुझे खाना देना है, ठीक है। तो मैंने इसको इसके साथ ये बात किया, तो ये मेरे साथ बात भी करता है और बहुत खुशी होती है। सभी को नमस्ते, आप सब कैसे हैं? तो आज मैं अपने गांव में आई हूँ और गांव में आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या था तो फ्रेंड्स, आपको पता है मैं जब गांव में आती हूँ और गांव में आऊँ तो खेत में नहीं आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैं तो साउंड की बेटी हूँ। तो इसीलिए मैं अपने खेत में भी आई हूँ, जहाँ पे मुझे आके इतना अच्छा लगता है। पर एक प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं गाँव में आती हूँ ना और खेत में आती हूँ ना, मुझको देखो जुका ने काट दिया, जुक से काट दिया, जुक से काट दिया, मतलब इसको क्या लीज बोलता है इंग्लिश में, काटते हैं ना बहुत खुजली करते हुए, कैसे काटे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना भूल गई थी, पर मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। बाद में तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जो अभी धान है ना, ये जो धान है ना, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा पर ऐसा नहीं है, ये थोड़ा पकेगा, 20-30 दिन में ये पकेगा। आपने, मैंने उस दिन वीडियो में दिखाया था ना, ये कैसे इसको रोपते हैं, है कि नहीं, कैसे इसको रोपते हैं, तो अभी बड़ा ऐसा होता है। और इसमें देखिए कितना सारा धान आ चुका है फ्रेंड्स, देखिए कितना सारा धान आ चुका है, तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा पर ऐसा नहीं है, वो उसको पकना होगा 20-30 दिन में, 20-30 दिन में ये पकेगा, तो उसके बाद हम लोग खाएंगे। पर ऐसे नहीं खाएंगे, पता है कैसे खाते हैं हम लोग, पहले इसको ले जाएंगे, यहाँ से हम लोग काटेंगे, अरे बार बार क्यों खींचता है, अरे ये पहले इसको हम ले जाएंगे, ठीक है, और मतलब अगर पकेगा ना तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद ट्रैक्टर जो होता है, अब आप भी सुन लो, ठीक है, जो ट्रैक्टर होता है ना उसमें हमारा ये निकाल देंगे, जो गुटी होता है वो निकाल देंगे, ठीक है। गुटी निकालने के बाद उसको हम सुखा देंगे, सुखाने के बाद हम लोग जो धान वाला मशीन होता है ना पापा, धान वाला मशीन में लेके जाएंगे और फिर इसको वो जो आप लोग खाते हैं ना वाइट जो धान होता है, चावल, तो उस वो ऐसा बनता है, तो वही हम लोग गांव के लोग हम लोग ऐसे खाते हैं। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा हम लोग कैसे खाते हैं और फिर हम लोग भोजन करते हैं, तो मस्त होता है। आज खाना खा के आई हूँ, आहा, तो मैंने सोचा चलो खेत को देख के आते हैं, मेरा फ्रेंड शायद मेरा इंतजार में पड़ा होगा। तो आप लोग भी जो चावल खाते हैं ना वो इससे ही खाते हैं, और हम लोग किसान लोग कितने मेहनत करते हैं, चावल को उगाते हैं, और ये चावल को कभी मत फेंकना, क्योंकि ये हम लोग, ये चावल को पता है हम लोग किसान लोग क्या मानते हैं, चावल को हम भगवान मानते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको ये खाने दिया है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हम लोग किसान हैं और किसान हम लोग रोपते, इतना मस्त होता है यार किसान का जिंदगी। वाह, ये मेरा पूरा खेत, ये मेरा खेत है फ्रेंड्स, सिर्फ मेरा खेत है, क्योंकि ये खेत की मैं किसान हूँ और ये खेत सिर्फ मेरा है। और पता है मैं अपने धान से ना बात भी करती हूँ, चलो मैं आपको बात करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो एक ही साथ कितने कितने रहते हैं, मतलब थोड़ा नेपाली में बात करते हैं, हिंदी थोड़ा समझ में नहीं आता, तो मैं नेपाली में बात करती हूँ। ओए कस्तो छस राम्रो, मलाई भोक लाग्छ, एकछिन म त मलाई भात दिनु, मतलब मैंने बोला ओ कैसा हो तुम, अच्छी हो ना, मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर में तुम मुझे खाना देना है, ठीक है। तो मैंने इसको इसके साथ ये बात किया, तो ये मेरे साथ बात भी करता है और बहुत खुशी होती है। तो देखिए मेरा खेत है, मेरा खास कर इंतजार करना था, ऐसे पड़ा हुआ। ओ फिर जब मैं आऊँगी ना, फिर से गांव में आऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि धान को कैसे ले जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ओके। तो मैं अभी ले जाऊँगी, मतलब बाद में भैया, अभी कहाँ ले जाऊँगा। तो अभी के लिए बाय बाय एंड लव यू।